इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियन द मोस्ट मर्सीफुल आई एम प्रोफेसर अमीर अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे आज मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशंसी टेस्ट पार्ट वन का एजूज पढ़ाने जा रहा हूँ इसका पहला क्वेश्चन है कि ही डैश नाट नो हाउ टू स्पीक और ऑप्शन ये चार दिए हुए हैं डू हैव डज इज कौन सा ऑप्शन सही होगा हम जब भी ऑप्शंस में से चुनेंगे तो पहले तो हम देखेंगे टेंस कौन सा है उसके बाद इसका सब्जेक्ट कौन सा है तो टेंस और सब्जेक्ट के साथ उस वर्ब को एग्री करना चाहिए ये सिंपल टेंस है और इसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ज़ाहिर है उसमें वो ऐसा वर्ब आना चाहिए जिसमें एस या एस का इजाफा हो लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो ज़ाहिर है इसमें डज ही लगेगा तो बाकी जो वर्ब होगा अगला उसमें एस का इजाफा नहीं होगा क्योंकि एक ही क्लॉज में एक ही दफ़ा ए सी आई ये इसका इजाफा होगा जो कि जब इसका नेगेटिव हम करते हैं तो इसमें जो वर्ब आता है उसमें इजाफा होता है जो कि डज है तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा सी ही डज़ नॉट नो हाउ टू स्पीक नंबर टू क्वेश्चन है दे डिड नाट डैश ऑन पिकनिक ऑप्शन हैं वेंट गो गॉन बी गॉन कौन सा सही होगा ये टेंस कौन सा है पास्ट इन डेफिनेट सिंपल पास्ट टेंस और इसमें डिड पहले आ चुका है सेकंड फॉर्म एक ही क्लॉज में दो सेकंड फॉर्म्स नहीं होंगी तो जाहिर है हमें फर्स्ट फॉर्म देखनी होगी कौन सी है दे डिड नॉट गो ऑन पिकनिक तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी उसके बाद नंबर थ्री है द मैन डैश स्टील्स थिंग्स इज़ कॉल्ड अ थीफ ऑप्शन हैं इट विच हु who, सही कौन सा होगा द मैन यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होगा हु क्योंकि जो शख्स होता है उसके साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो हु विच नहीं होगा नंबर फोर यानी यहाँ पे हम हु नहीं लिखेंगे लेकिन इसका ऑप्शन लिख देते हैं सी उसके बाद नंबर फोर है ही इज़ डैश इंटेलिजेंट देन आई एम ऑप्शन हैं मोस्ट द मोस्ट मोर सो यहाँ पे ये कंपेरेटिव डिग्री है क्योंकि इसमें दैन जो कंजेंशन यूज़ हुआ है इससे पता लगता है ये कंपेरेटिव है तो ज़ाहिर है इसमें क्या आना चाहिए मोर और जो ज़्यादा सिलेबल वाले वर्ड्स होते हैं उनके साथ मोर मोस्ट होता है कम्पेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए बाकी जो कम सिलेबल सिलेबल्स वाले होते हैं उनमें ई ER आर या ई एस टी लगता है कम्पेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन आई एम वो मुझसे ज़्यादा होशियार है नंबर फाइव दिस ऐसे डैश रिटर्न बाय हिम ये पैसवाइस है लेकिन इसमें कौन सा एग्री करेगा दिस एस से है बिन हैव तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ लगता है ये सिंगुलर है, हैज़ हैज तो ठीक है एग्री कर रहा है पार्टली लेकिन ये पैसवाइस भी तो है तो हैज़ नहीं लगेगा हैज़ बिन हैज़ बिन एग्री करेगा क्योंकि ये पैसवाइस भी है तो हैज हैव और प्लस बिन होता है होगा हैज़ बीन यानी ऑप्शन या होगा सी जो सही है दिस ऐसे हैज़ बीन रिटर्न बाय हिम और एक्टवाइज होगा ही हैज़ रिटर्न दिस ऐसे नंबर सिक्स है शी इज अफ्रेड डैश रेट्स यहाँ पे प्रपोजिशन चुनना है विथ फ्रॉम बाय ऑफ कौन सा सही ऑप्शन होगा शी इज अफ्रेड ऑफ Off. ऑफ तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा नंबर सेवन शी डैश टू पेजिस डेली यहाँ पे कौन सा ऑप्शन एग्री करेगा शी हैव हैव तो शी क्योंकि सिंगुलर है तो हैव नहीं लगेगा शी राइट राइट भी नहीं लगेगा क्योंकि शी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है उसमें ऐसा वर्ब होना चाहिए जिसमें एस आई इसका इजाफा हो तो शी राइट्स टू पेजेस डेली तो राइट्स सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही है और डी ऑप्शन नहीं होगा वाज राइट शी के साथ वाज राइट टू पेजेस डेली वो डेली लिखती है तो इसमें वाज तो नहीं लगेगा ये पास्ट हो गया ये जो है वो हैबिट की बात हो रही है रूटीन की बात हो रही है जो रोज़ाना हो रहा है नंबर एट दे कु नॉट डजरडे कुड नाट कॉलेज येस्टरडे ये इस तरह है जैसे सिंपल पास्ट होता है लेकिन कुछ जो है वो मॉडल वर्ब है ये भी देखना है तो ऑप्शन चुनना पड़ेगा कु नॉट रीच्ड नो मॉडल वर्ब्स के साथ सेकेंड या थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं होती जब तक कि इनके साथ कोई और हेल्पिंग वर्ब ना हो ये अगर स, आ, अकेले आते हैं तो इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी दे कुड नॉट हैव रीच नहीं रीच सही हो जाएगा दे कुड नॉट रीच सी ऑप्शन सही है दे कुड नॉट रीच कॉलेज यस्टरडे अगर केम लगाएंगे तो ये सेकंड फॉर्म है ये भी गलत हो जाएगा तो सही हो गया दे कुड नॉट रीच कॉलेज यस्टरडे वो कल कॉलेज नहीं पहुँचे पहुँच नहीं सके उसके बाद है नाइन नंबर दे विल बी सॉरी दे विल बी डैश स्टैंडर्ड टू नेक्स्ट ईयर स्टैंडर्ड टू नेक्स्ट ईयर दे विल बी ये ऑप्शन नंबर वन है ए है स्टडी नो विल बी के बाद स्टडी नहीं होगा स्टडीड नो पैसा भी नहीं है विल बी स्टडीज स्टडीज़ ये सिंपल टेंस भी नहीं है ये फ्यूचर कंटिन्यूस है तो स्टडिइंग सही हो जाएगा दे विल बी स्टडिइंग वो पढ़ रहे होंगे स्टैंडर्ड टू नेक्स्ट ईयर अगले साल स्टैंडर्ड टू पढ़ रहे होंगे तो डी ऑप्शन सही होगा नंबर टेन आई एम वेरी हैप्पी टू डे डैश माई ब्रदर यहाँ पे इसके साथ ऐसा वर्ब लगाएंगे जो ये इन्फॉर्मेशन अटैच करता हो यानी मैं आज खुश हूँ और मेरा भाई भी तो जब भी ऐसा कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हम अटैच करते हैं कि कोई और भी ऐसा ही है जैसे हम या कोई ऐसे फील करता है जैसे हम करते हैं जैसे, या ऐसे हम फील किया है किसी ने जैसे हमने किया है तो जो वर्ब पहले यूज़ हुआ है तो अगले क्लास में भी ऐसा ही वर्ब चुनना पड़ेगा आई एम वेरी हैप्पी टुडे सो विल माई ब्रदर ये एग्री नहीं कर रहा सो हैज़ माई ब्रदर ये भी एग्री नहीं कर रहा सो इज़ माई ब्रदर क्योंकि इज एम आर उसी टेंस के हैं तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा सी सो हैव भी एग्री नहीं करेगा तो ये सही हो गया आई एम वेरी हैप्पी टुडे सो इज़ माई ब्रदर मैं आज बहुत खुश हूँ मेरा भाई भी खुश है आई थिंक दिस सेंटेंसिज़ आर यूजफुल टू यू इफ यू फाइंड दैम यूजफुल लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन डू लेट मी नो अबाउट दिस एंड ड्रेस द बेल आईकॉन फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू द नेक्स्ट वीडियो